प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ए भगवान, ऐसा क्यों होता है कि मुझे पूरी खुशी कभी मिलती नहीं है? लड्डू खाने को मिलता तो है, लेकिन लड्डू खाते ही लड्डू के अंदर से लड्डू से भी बड़ा कंकर निकलता है। यह कैसी मुसीबत में फंसा दिया प्रभु आपने, अब क्या करूं? थैंक गॉड फ्रिज मिल गया, वो भी कॉस्ट प्राइस में। हाँ, जेठालाल को फोन करता हूँ। क्यों? नहीं, उतने कहा था ना कि हमारे पहुंचने से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा। अब किधर है फ्रिज? हम लोग तो पहुंच गए। अय्यर, जीठा जी ने कहा था ना कि एक बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। हैव पेशेंस। हाँ, कहा था, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि फ्रिज उसके दुकान से निकला या नहीं निकला। ओके। रमेश भाई, आप तो डीलर है, डीलर हो क्या आप एक फ्रिज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? सॉरी जीठा भाई, सचमुच में नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, 1500 ज्यादा देके भी अगर बंदोबस्त होता हो तो देखो ना जरा प्लीज। अरे जेठा भाई, पॉसिबल होता तो मैं मना क्यों करता, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, प्लीज सॉरी। हाँ। अरे भाई बोला ना, 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा भाई। कट कर दिया। कहाँ से पहुंचेगा 1 बजे से पहले? क्या मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या कर रहा है? आपने कहा ना मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसलिए अभी आपका मुंह नहीं देख रहा हूँ। नट्टू काका, इसको समझा दो, ये जोक करने का टाइम नहीं है। मगा नो जोक, सेठ जी सीरियस। नट्टू काका, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस ही हूँ। कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला सीरियस हूँ। अगर तुम लोग सीरियस होते तो अभी तक फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया होता। सेठ जी, सब जगह फोन करके पूछा, किसी के पास नहीं है। अरे जो डीलर फ्रिज नहीं बेचते उनको भी फोन करके पूछा, उनके पास भी नहीं है। उनके पास कहां से होगा नटो काका? सेठ जी, समझ में नहीं आ रहा है दिवाली है या दशहरा है? हाँ देखिए ना, ये आई स्कूल OG 224 एकदम गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह बिक रहा है। फोन से काम नहीं होगा, एक काम करो, प्रश्न ले जाओ, दुकान दुकान घूमो, कहीं से भी फ्रिज लेके आओ। अगर 1500 ज्यादा देना पड़े तो दो, लेकिन फ्रिज का बंदोबस्त करो, जाओ। चलिए नटू काका। कहाँ? चलिए तो सही। शाबाश। काका। हाँ। कहाँ जाएंगे? नटू काका, अंदर सेठ जी को कितना भी समझाएंगे लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से AC मॉल में जाके 3-4 घंटा घूमते हैं, आके सेठ जी को बता देंगे कि इतनी गर्मी में हमने बहुत फ्रिज ढूंढा लेकिन फ्रिज कहीं मिला ही नहीं। नो बागा,
नो काम चोरी। काम चोरी नहीं नटका। अरे लेकिन... तुम दोनों माथेरन के सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखने खड़े हो, ऐसे क्या खड़े हो, चलो निकलो। कमबागा। अरे भाई दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? बागा तू एक काम कर, तू संजय सेल में जा और नटू काका जी आप वो गांधी रोड के मार्केट में जाइए। जी सर जी। दोनों गए और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों जरूर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ रमेश भाई। हाँ जेठा भाई, फ्रिज का बंदोबस्त हो गया है? हो गया जी जी बिल्कुल। थैंक यू रमेश भाई थैंक यू। आज आपने भूखे को खाना खिलाने से और पंछियों को दाना डालने से जो पुण्य मिलता है ना वैसा काम किया। थैंक यू रमेश भाई थैंक यू। हाँ जेठा भाई, पर क्या है 3,000 ज्यादा लगेंगे। 3,000? जेठा भाई इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी अर्जेंसी थी इसलिए मंगवाया। आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं 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 भाई चलेगा, 3,000 दे दो कोई बात नहीं, ज्यादा दे दो। क्या पैसा ज्यादा जाए उसका वादा नहीं है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दो। अच्छा बताओ कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस दे दो मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं 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 आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज मेरी दुकान पे भेज दो। क्या पार्टी स्पेशल है ना, तो मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी देने के लिए। ठीक है। ओके ओके ठीक है जेठा भाई, जैसे आप कहो वैसे। थैंक यू रमेश भाई थैंक यू। ओके पिताजी आपका हाई स्कूल 2-4 लेके आ रहा हूँ मैं। टाउं 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 टाउं। अरे वांगो वांगो चंद्रशेखर आइए आइए। अरे हाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है वांगो। बैठिए बैठिए। अरे चंद्रशेखर कितने दिनों के बाद तुम मेरे घर पर आए, आज मेरी याद कैसे आई? वो क्या है ना यार, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ इसलिए आप लोगों की मदद करने आया हूँ। प्रॉब्लम में आप हो और हमारी मदद मतलब? वो क्या है ना भाभी, मैंने हाई स्कूल का 224 OG सबसे लेटेस्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला नया फ्रिज लिया है 25,000 में। तो क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है लेकिन मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा है। मैं गया था दुकानदार के पास बदली करने को, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा टेढ़ा है, कह रहा ले तो लूंगा लेकिन 5,000 कम दूंगा, मौके का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर ये सब दुकानदार लोग टेढ़े ही होते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? वो क्या है ना भाभी, आपका फ्रिज बार बार खराब होता है, तो नया तो आप लोगे ही, तो मेरा फ्रिज ले लो। दुकानदार का 5,000 का फायदा हो, इससे अच्छा मैं आपका फायदा करा देता हूँ। मैं आपको 5,000 कम में फ्रिज दे दूंगा, बाकी के पैसे आप जब चाहे तब दे देना। क्या है ना, हमने अभी अभी जाके सेम मॉडल का फ्रिज ले लिया है सो हाँ बबीता, लेकिन फ्रिज अभी अपने घर पे तो नहीं आया है ना। मतलब बबीता देखो, जेठालाल दुकानदार है और यह फ्रिज बहुत डिमांड में है, तो जेठालाल के दूसरे कस्टमर को अपना फ्रिज विद प्रॉफिट बेच सकता है ना, तो उसमें जेठालाल का भी फायदा होगा। और चंद्रशेखर हमको सस्ते में फ्रिज दे रहा है तो उसमें हमारा भी फायदा है ना। पर हम लोग चंद्रशेखर से पूरा 5,000 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो फिर चंद्रशेखर का भी फायदा और उसका फ्रिज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। थैंक यू अय्यर थैंक यू थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। लेकिन अय्यर हम लोग जेठा जी को क्या कहेंगे? बबीता यह टेंशन तुम मत लो, मैं जेठालाल को जवाब दे देगा। चंद्रशेखर अपना डील पक्का समझो, तुम्हारा फ्रिज हमारा हुआ, तुम फ्रिज लेकर आ जाओ। ठीक है। संभल के भाई संभल के, इधर ढाड़े ढाड़े जरा संभालना। अरे आराम संभाल। अभी इधर 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 लेफ्ट में लेफ्ट में। हाँ लगा बस रोकते। हाँ हाँ किधर से खुलते हैं भाई ये? अरे बाप रे बाप। हा अरे कैसे टेम्पो चलाते हैं भाई, ये तो अच्छा है पूरी बॉडी का स्पेयर पार्ट वो स्क्रू से फिट नहीं हुए, वरना सब स्क्रू ढीले हो जाते और सब बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे बिखर जाते।
देख क्या रहे? बबीता जी, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। टप्पू के पापा। अरे आप इस वक्त यहाँ? वो बबीता जी ने फ्रिज लिया ना, तो उसके डिलीवरी देने आया। लेकिन तू धूप में कहाँ घूम रही है? मैं गाय को रोटी देने गई थी। जयडालाल, अय्यर भाई, बबीता जी देखिए आ गया फ्रिज आपका। अय्यर भाई घड़ी देखिए, एक में 15 मिनट कम है। जयडालाल वो बोलो। जयडालाल हम लोग नीचे आते हैं। चलो, खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे। लगता है अय्यर भाई फ्रिज की आरती उतरने वाले हैं। बराबर है, इंसान हो या सामान, घर में आए तो उनकी आरती तो उतरनी ही चाहिए। सेठ जी, पाखा, सेठ जी, पाखा। सेठ जी मिल गया फ्रिज। बघा या फ्रिज? हाँ सेठ जी, दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला। 2,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन मिल गया। सेठ जी आप भी? मुझे श्रीनाथ जी डीलर से मिला। आपने कितने ऑन दिए? 3,000। अगर तुझे फ्रिज मिल गया था तो मुझे बताना चाहिए था कि नहीं। सेठ जी मैंने आपको SMS तो किया था। यिप्पी, गॉट फ्रिज, हुर्रे। SMS करने की क्या जरूरत थी? मैं SMS नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फोन करना चाहिए ना। आपने मुझे मार्केट में फ्रिज लेने के लिए ही भेजा था ना, फिर आप क्यों गए? और गए तो गए, आपको फ्रिज मिल गया तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना कि बाघा मुझे फ्रिज मिल गया है, तू अब फ्रिज मत खरीदना। आपको तो पता ही है सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम सौंपो वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता। बस गलती हो गई भाई, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। हाँ चंद्रशेखर, मैं कंपाउंड में ही हूँ। हाँ आ जाओ। ओके ओके। बबीता जी देखिए, इधर तो झोंक हो गया। आपने एक फ्रिज का ऑर्डर दिया था, इधर दो दो फ्रिज आ गए। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। नटू काका, जो कभी चालू ही है। तीसरा भी आ गया। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। सेठ जी टाउन टाउन सेठ जी फ्रिज मिल गया। कहाँ से मिला? गाला इन सन्स में से। कितना ऑन दिया? 3,000। नटू काका, सेठ जी ने हमें फ्रिज लेने भेजा और खुद भी फ्रिज लेके आ गए। What is going on सेठ जी? ये आपने क्या किया? जब आप खुद फ्रिज लेकर आने वाले थे तो फिर मुझे क्यों फ्रिज लेने भेजा? भेजा तो भेजा, मगर आपको फ्रिज मिल जाने पर मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि नटू काका मुझे फ्रिज मिल गया है, आप मत लेकर आना, तो मैं नहीं लेके आता। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों को फोन नहीं किया, लेकिन आप दोनों को फ्रिज मिल गया था तो आप दोनों तो एक दूसरे को फोन कर सकते थे ना। आप दोनों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? किया था नटू काका, मैंने आपको फोन किया था ना कि फ्रिज मिल गया है। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा था। हाँ। मैं तो समझा कि तू मुझे पूछ रहा है
कि नटू काका फ्रिज मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया, और मुझे आपका हाँ मिल गया सवाल लगा। हाँ मिल गया। भागा तू भी कमाल है। सॉरी सॉरी सेठ जी, इट्स ए सिंपल फनी केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टुकू के पापा, आप लोग का ये और सब फ्रिज लेकर क्यों आए? हमारी दुकान में फ्रिज नहीं था। नहीं फ्रिज था, लेकिन हुआ यूं कि कोई बात नहीं बबीता जी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ हाँ बबीता जी, अभी देखो ना तीन तीन फ्रिज आ गए, अभी आपको चॉइस है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो उठा लो। इसमें चॉइस क्या सेठ जी, तीनों सेम ही तो है। बोलो। एक्चुअली जयडालाल, इन तीनों में से हमको एक भी फ्रिज नहीं चाहिए। एक का तीन, नहीं माफ कीजिएगा, मैं कोई ब्लैक मार्केट नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज, यहाँ रेफ्रिजरेटर की बरसात हो गई है, एक की जगह तीन। भाई स्थिति ऐसी है जैसे कि घर के नल में तो पानी नहीं आता हो, लेकिन बरसात के पानी से घर भर गया। बिल्कुल वो ये सिचुएशन है, आप पूरी तरह से बाहर से पेट भर के खा के आए और घर में पता चले कि आपकी पत्नी ने पकवान बनवाया, अब क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति जेठालाल के साथ अभी हो गई है। अब मुझे लगता है इस स्थिति में जेठालाल अय्यर साहब को छोड़ेंगे तो नहीं, झगड़ा तो होगा। अब इन दोनों के बीच में चल रही है कोल्ड वॉर, अब इस कोल्ड वॉर में किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है ये तो कौन जाने, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि बढ़ेगी हंसी, हंसेंगे आप और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.